यूज कर रहे हैं या बना रहे हैं, हमारे घर में वेस्ट हो रहा है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या पैलेसेस में, हर जगह जो वेस्टेज है, हम अपनी सिटीज में वेस्टेज को रोक के उन नीडीज तक, उन जरूरतमंद तक हर चीज वो प्रोवाइड करते हैं जो उनके तक नहीं पहुंच पाती है। स्पेशली हमारा एनजीओ बच्चों के लिए काम करता है, हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और या उनके पास पढ़ने के लिए कोई सोर्स नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास इनकम नहीं है। हमारा एक आर्मी का सबसे बड़ा रूल ये है कि अच्छा, हमारा एक पॉइंट है कि हम लोग किसी से भी पैसों की हेल्प नहीं लेते हैं। जो भी पर्सन हमारी हेल्प करता है, हम उसे यही बोलते हैं कि आपके पास जितना भी है, अगर आप हमारे लिए या उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर सको जो उनके यूज आ सके, लाइक फूड, लाइक स्टूडेंट्स हैं वो, अगर वो जा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे देखे हैं हमने जिनके पास बुक्स नहीं होती हैं, पढ़ना चाहते हैं पर किताबें नहीं होती हैं, नोटबुक्स नहीं होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके लिए वो नोटबुक्स हैं जो उनके लिए जो बुक्स होती हैं क्लासेस की, यूनिफॉर्म में हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उन बच्चों को भी बराबर हमारे लिए, हमारे अकॉर्डिंग स्टडी मिल जाए और उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो यही है हमारा मेन मोटिव। एंड सेकेंड ये कि हम लोग जो फूड है, हम लोग ये चाहते हैं कि अबोहर में जितना भी फूड कहीं पे भी जो खराब हो रहा है, चाहे छोटे से छोटा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर में एक जने का भी खाना एक्स्ट्रा है, एक जने का भी खाना अगर बचता है ना, तो आप हमें फोन कीजिए, आप उसे गिराइए मत, क्योंकि एक बच्चे के खाना खाने से ना हमें बहुत सारी दुआएं मिल सकती हैं। हमारा रॉबिनहुड आर्मी का यही मोटिव है कि अबोहर में कोई भी बच्चा गरीब है वो भूखा ना सोए, हर बच्चा स्कूल जाए और अच्छे से शिक्षा ले, और एक कामयाब उसका बच्चा हो वो, और उसका जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट बने। तो प्लीज आप लोग भी, जितना भी आप लोगों से हेल्प हो, हम लोग कैश नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी आपसे, जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं या आपके आसपास कहीं भी वेस्टेज हो रही है, सरप्लस मिल रहा है, तो आप हमें रात को 12 o'clock भी आप कॉल करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स तब भी अवेलेबल रहेंगे। हमारी आर्मी 24/7 वर्क करती है, और मैं एक बात आपको हमारी आर्मी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये अबोहर में नहीं बल्कि पूरे सिटी में, ओवरऑल इंडिया में 49 सिटीज में वर्क कर रही है, एज ए इंटरनेशनल 14 सिटीज में वर्क कर रही है। तो आप भी थोड़ा सा अपना एक एक बच्चे का सोच के भी कॉपरेशन करें, तो डेफिनेटली हम कुछ टाइम के अंदर अबोहर में से सारी गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हर एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।